कालका हल्के से आजाद प्रत्याशी गोपाल चौधरी सुखू माजरी ने रायपुर रानी में एक के बाद एक ताबड़तोड़ जनसभाएं कर कांग्रेस और भाजपा पर हमला बोला। गोपाल चौधरी ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार का तीसरा टर्म है और हरियाणा में पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार थी। पिछले 5 साल से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी बतौर विधायक कालका हल्के की नुमाइंदगी कर रहे थे। अगर भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी और इनके नेताओं में दम है तो पिछले 5 साल में कालका हल्के के विकास पर कितना बजट खर्च हुआ इसका शपथ पत्र जारी करें। जनता को भी जानने का हक है कि प्रदेश की भाजपा सरकार और कालका हल्के के कांग्रेसी विधायक ने क्षेत्र के लिए आखिर क्या किया। गोपाल चौधरी ने कहा कि पिछले 5 साल में कालका हल्के में कितनी नई सड़कें, कितने नए पुल, कितनी सिंचाई स्कीमें, कितने स्कूल कॉलेज, कितने अस्पताल, कितनी डिस्पेंसरी खोली गई, सरकारी क्षेत्र में कितने खाली पद भरे गए, कितने बेरोजगार युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया, कितने बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन दी गई, कितनी महिलाओं को विधवा पेंशन दी गई, कालका हल्के में कितने पात्र लोगों के लिए मकान बनाए गए, कितने भूमिहीन लोगों को सरकार ने जमीन दी, कालका हल्के में कितनी अनाज मंडियां खोली गई और पिछले 5 साल में सरकार ने कितने किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदी, पिछले 5 साल में कुल कितना बजट कालका हल्के के विकास पर खर्च किया गया इसका शपथ पत्र जारी कर जनता को पाई पाई का हिसाब दिया जाए। गोपाल चौधरी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस कालका हल्के के निवास पर खर्च पाई का हिसाब जनता को दे और उसके बाद जनता से वोट मांगे। गोपाल चौधरी ने रायपुर रानी में भाजपा कांग्रेस पर गरजते हुए कहा कि जब कालका हल्के के विकास पर फूटी कौड़ी नहीं खर्च गई तो दोनों दलों के प्रत्याशी किस मुंह से वोट मांगने जनता के बीच जा रहे हैं। दोनों दल अपना अपना 5 साल पहले का चुनावी घोषणा पत्र उठाकर यही बता दें कि पिछले चुनावों में जनता से कितने वायदे पूरे किए गए। गोपाल चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि पिछली चुनावी घोषणा को पूरा करना तो बड़ी दूर की बात है। दोनों दलों को अपने चुनावी वायदे, अपनी घोषणाएं भी अगर याद हो तो बड़ी बात है।